एक पॉपुलर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। हालांकि चीनी कंपनी होने के नाते इसे भारत में बैन कर दिया गया था। वहीं भारत में बैन होने के बावजूद इस कंपनी में भारतीयों का जलवा कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि टिकटॉक ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति समीर सिंह को कंपनी का अहम पद दिया है। टिकटॉक की तरफ से समीर सिंह का प्रमोशन किया गया है। उन्हें नॉर्थ अमेरिका के टिकटॉक का हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस बनाया गया है। समीर सिंह ने अगस्त 2019 में टिकटॉक को ज्वाइन किया था। वहीं समीर सिंह को जुलाई 2021 में कंपनी का ग्लोबल बिजनेस हेड का पद दिया गया है। इससे पहले 2020 में भारत में समीर सिंह साउथ एशिया में टिकटॉक बिजनेस सॉल्यूशन हेड के तौर पर काम कर रहे थे। बता दें कि भारत में टिकटॉक पर साल 2020 में प्रतिबंध लगाया गया था। उस वक्त टिकटॉक भारत की सबसे बड़ी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हुआ करती थी। हालांकि टिकटॉक ने समीर सिंह को हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस का पद एक ऐसे वक्त में दिया है जब टिकटॉक अमेरिका में जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक को राष्ट्रव्यापी तौर पर प्रतिबंध करने की योजना बनाई है। कहा जा रहा है कि फॉरेन अफेयर्स कमेटी अगले महीने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एक बिल पर वोट करेगी। चलिए अब आपको बता दें कि कौन है समीर सिंह। समीर सिंह IIM कोलकाता के छात्र रह चुके हैं। उनके पास गूगल, GSK और PNG में काम करने का भी अनुभव है। वहीं बात करें भारत में टिकटॉक के बैन होने की, तो टिकटॉक पर भारतीयों के डेटा को चीनी सर्वर पर स्टोर करने का आरोप लगा था। भारत सरकार का मानना था कि ये देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से साल 2020 में टिकटॉक को तत्काल प्रभाव से भारत में बैन कर दिया गया था। टिकटॉक के साथ ही 58 अन्य चीनी ऐप्स को भी बैन किया गया था। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकटॉक भारत में वापस आ सकता है। इसके बारे में टिकटॉक का कहना है कि वो भारत सरकार के साथ संपर्क में है और टिकटॉक की वापसी को लेकर भारत सरकार की सभी चिंताओं पर काम करने को तैयार है। हालांकि टिकटॉक भारत में वापस आता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन समीर सिंह को हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस बनाने से एक बार फिर से भारत का नाम रोशन हुआ है।